रेत की तरह फिसलते वक्त से टूट रहा शोपाल का सब्र। अखिलेश यादव ने अब तक नहीं साधा गठबंधन को लेकर संपर्क। शोपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। बिना नाम लिए शोपाल ने जो कहा वो चौंका गया। सहमति में आखिर क्यों हो रही है देरी और क्यों फंस रहा है पेच। समर्थकों का धैर्य भी अब उठा रहा है अखिलेश यादव पर सवाल। चाचा के ऑफर को आखिर क्यों स्वीकार नहीं कर रहे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में सियासी घड़ियाल टिक टिक कर वक्त की तरफ इशारा कर रहा है कि सियासी दलों अब कमर कस के सियासी समर के लिए तैयार हो जाओ। सभी दल तैयारियां भी कर रहे हैं और कुछ दल गठबंधन में लगे हैं। सपा की बात करें तो सपा भी तमाम दलों से संपर्क साध रही है, लेकिन अब तक अगर किसी से संपर्क नहीं साधा गया तो वो है प्रसपा और शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव के अल्टीमेटम के बाद भी अखिलेश यादव कुछ खास गंभीर नहीं दिख रहे हैं और पत्रकारों के सवालों पर भी कई बार उल्टा जवाब देते हुए बोले कि तुम्हें बहुत चिंता है। अरे अखिलेश बाबू, चिंता तो तुमको होनी चाहिए कि सियासी तौर पर जमीनी हकीकत इशारा नुकसान का कर रही है, लेकिन न जाने किस अंदाज में आप जीत का दावा कर रहे हैं और ये समर्थकों का सीधे सीधे कहना है। वहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर गठबंधन न होने के सवाल पर जिस अंदाज में अखिलेश यादव पर तंज कसा है वो सुर्खियों का सबब बन गया है। शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए तमाम अहम सवालों के जवाब दिए और जब अखिलेश यादव का नाम सामने आया तो फिर शिवपाल सिंह यादव ने बिना नाम लिए भतीजे पर जमकर तंज कसा। शिवपाल सिंह यादव ने जहां सत्ताधारियों को घेरा वहीं अखिलेश यादव के पुराने बयानों का हवाला देकर तंज कसा। हालांकि चाचा ने इस मौके पर एक बार भी अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया। दरअसल प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उन्हें तो बहुमत से अधिक सीटें मिल रही हैं, तो उन्हें हमारी क्या जरूरत है, हम तो 2022 का विधानसभा चुनाव छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव अपनी रथ यात्रा में मुलायम सिंह यादव का फोटो लगाकर चल रहे हैं और अब चुनाव प्रचार में भी कूद पड़े हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव ने 400 सीटें जीतने का हास्यास्पद दावा किया था, अब वो दावा उनके लिए तंज का कारण बन रहा है। सपा के साथ गठबंधन के सवाल पर शिवपाल सिंह ने उसी दावे का हवाला देकर कहा कि जब बहुमत से ज्यादा सीटें उन्हें मिल रही हैं तो मेरी जरूरत क्या। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमने सपा समेत सभी विपक्षी दलों से कहा कि एकजुट होकर बीजेपी से लड़िए, 2022 के चुनाव में प्रसपा के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। शिवपाल सिंह ने कहा कि आगामी सरकार में हमारी भागीदारी जरूरी होगी। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया और शिवपाल सिंह यादव ने मौजूदा हालात पर कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार में कोई वादा पूरा नहीं किया गया, न काला धन वापस आया और न ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। शिवपाल सिंह यादव ने इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश के ब्राह्मण समाज की परेशानियों को लेकर चिंता जाहिर की। कानून व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी को शिवपाल सिंह यादव ने मुद्दा बनाया और वादा किया कि आने वाले वक्त में सरकार बनने पर हम हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।